धम्मनासिका में, तो मैंने एक किताब भी ले लिया सती पठान का, वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किताब, यानी कि सेंटर स्वयं किताब रखता है और सभी साधकों को जो उपलब्ध किताबें हैं, कुछ इंग्लिश, कुछ मराठी और कुछ हिंदी, वो देते हैं। मैंने भी एक हिंदी का किताब कुतूहलवश ले लिया कि भाई कभी मन में आ जाए, ऐसा आ भी जाता है, पहले लगता है कि आप क्या करना है, बहुत शिविर हो गए सती पठान के, लेकिन फिर लगता है नहीं रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने किताब नहीं रखा पर ऐसी जिज्ञासा हुई कि नहीं नहीं अभी किताब होना है, पेन होना है, कागज़ भी होना है, गुरुदेव के कुछ जो धारा प्रवाह प्रवचन में के शब्द है तो उसे निस्सरण पहान जैसा शब्द है, एक बार ही गुरुदेव कुछ कुछ शब्दों का, कुछ कुछ वाक्यों का उपयोग करते हैं तो बड़ा उसके विषय में लगता है कि वह वाक्य लिख लेने जैसा है, वह शब्द लिख लेने जैसा है। तो मैंने वो किताब लिया तो उसके अंतिम पृष्ठ पर जहाँ पर शब्दावली है कि हम अपने पाली और हिंदी की शब्दार्थ दिए हैं, तो उसमें एक जगह वो साधक ने एक ने लिख के रखा था पेंसिल से कि अंतर मन और बुद्धि में क्या फ़र्क है। तो मित्रों, हमें साधना के दौरान अनेक प्रश्न आते हैं मन में, प्रश्नों के उत्तर साधना में भी मिल जाते हैं, लेकिन याद रखिए ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इसलिए कि हम हमारे स्वयं पूर्ण होते हुए अपदीपो भव प्रश्नों के उत्तर खोजे मिले, उससे शायद काफ़ी समय लगेगा, हम उस उलझन में रह जाएंगे। इसलिए क्या होता है, अनेकों बार हम किसी से सुने, कहीं पढ़े तो जल्दी उसका उत्तर मिल जाता है, वरना वह प्रश्न चिन्ह साधना में ध्यान में बना रहता है। जैसे अब भगवान बुद्ध ने हमारे लिए इस मार्ग की खोज करके रख दी, मार्ग कंटकपूर्ण था, वे कहते हैं पहले भी मार्ग था लेकिन उसमें फिर झाड़ी में वह मार्ग खो गया था, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना किसी झाड़ी में पगडंडी खो जाती है, उस प्रकार यह मार्ग खो गया था। इसे पुनः सारी मानवता के लिए, दुखों से बाहर आने के लिए भगवान बुद्ध ने खोज निकाला और बड़े उपकार की बात रही गुरुदेव की और इस गुरु शिष्य परंपरा की, जिन्होंने इसे संरक्षित रखा और गुरुदेव ने इतना सहज उपलब्ध करा दिया दोहों में, साहित्य में, प्रवचनों में, और बिल्कुल सेंटर्स बना बना के जगह जगह पे हमारे लिए कितनी बड़ी सुविधा खड़ी कर दी। तो चलो, अंतर मन की और बुद्धि की हम बात कर रहे थे, उस विषय में मैं कहूँगा बुद्धि यानी कि हमारी प्रज्ञा, जो मन है हमारा प्रज्ञा का, प्रज्ञा जो एड़ी खंड है हमारे मन का वह, और ये अंतर्मन यानी कि अवचेतन मन, निद्रिस्त मन। और गुरुदेव कहते हैं ना प्रज्ञा का क्षेत्र छोटा है, भले ही प्रज्ञा हम जब जागरूक रहते हैं, जब जब हम बिल्कुल जागरूक है, बिल्कुल हम इसमें वर्तमान में हैं तब तब प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, पर जब जब हम जागरूक नहीं होते, किसी बहाव में बहने लगते हैं, वितर्क से विचार में बहने लगते हैं, धम्म में प्रवाहित होने लगते हैं, तब प्रज्ञा क्षीण हो जाती है और संज्ञा काम करने लगती है, संज्ञा काम करने लगती है और वहाँ संस्कारों से उसका बिल्कुल प्रतिक्रिया करती रहती है हर मोमेंट में। तो उससे जो प्रज्ञा है वह क्षीण हो जाती है और यह उस पर हावी हो जाती है। गुरुदेव भी कहते हैं हमारा जागरूक मन जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो छोटा है और यह निद्रिस्त मन 90% से ज़्यादा है और यह महाबलवान हाथी की तरह है और यह बिल्कुल जंगली हाथी है और इसे हमें पालतू बनाना है, वो पूरे मन के लिए कहते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रज्ञा का मन, हम प्रज्ञा अपराध जब करते हैं तभी बीमार होते हैं, यानी कि हम जब खाने पीने में हमारी प्रज्ञा कहती है, हमारा कॉन्शियस कहता है, कॉन्शियस माइंड कि यह मत कर, बिल्कुल हर बार यह सूचना आती है, कभी कभी हमारे ऊपर विकार इस प्रकार हावी रहते कि इस सूचना के, ये सूचना की दस्तक भी हमें सुनाई नहीं देती। और अनेकों बार जो जागरूक लोग हैं, थोड़ी तो भी जिनमें प्रज्ञा जागरूक है, वे
और विकारों में बहे नहीं है, विकार अभी तक हावी नहीं हुए हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, सांप ने बांबी उठाई नहीं, यानी कि फन उठाया नहीं, उसके पहले ही अगर हम जागरूक हो गए तो उस विकार को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस विकार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं या उस विकार को संयमित कर सकते हैं। पर एक बार विकार ने फन उठा लिया फिर वो हमारे बस की बात नहीं होती। तो इसलिए जब वितर्क उठता है तभी हमें उससे उस पर ब्रेक लगानी है, तो विचार में वो परिवर्तित नहीं होगा, विकार हमारे पर हावी नहीं होगा। इस प्रकार तो यह जो प्रज्ञा है उसका क्षेत्र बढ़ाने का काम हम विपश्यना द्वारा वर्तमान में रहकर, वर्तमान संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहकर, वेदनाओं के प्रति जागरूक रहकर यह बढ़ाने का हम काम करते हैं। तो गुरुदेव एक प्रश्न के उत्तर में, मुझे वो बताना है आपको कि गुरुदेव एक प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि हम प्रतिक्षण प्रतिक्रिया करते रहते हैं और हम प्रतिक्षण हमारा भाव बनाते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हम प्रतिक्षण विकार बनाते रहते हैं। और एक साधक ने उन्हें प्रश्न किया कि भाई अब जब ऐसा है तो साधना में हमें हम थोड़ी थोड़ी बार ही जागरूक रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर आपका स्टॉप लग गया, कम से कम आपको पता तो चला कि हम विकार ग्रस्त कैसे हो रहे हैं, वो अब प्रतिक्षण विकार कैसे जगा रहे हैं आप। देखिए हमारा जागरूक मन, बस जब तक हम जागरूक है दिन में, जब तक सोते नहीं हैं तब तक जागरूक मन के कुछ प्रमाण में हम अधीन रहते हैं, जब तक विकार हावी नहीं होते तब तक प्रज्ञा की अधीन रहते। पर निद्रिस्त होते ही क्या हो जाता है? निद्रिस्त होते ही सारा अवचेतन मन कार्यक्षम हो जाता है, चेतन मन यानी कि प्रज्ञा यानी कि बुद्धि अब सो गई है, निद्रिस्त हो, पर अंदर के अंदर अवचेतन मन प्रक्रिया करते ही रहता है, निद्रिस्त मन प्रक्रिया करते ही रहता है। जो हमारा अंतर मन कहेंगे, जिसे हम जिसकी गहराई बड़ी है, जिसका ताकत बड़ी है, वहाँ प्रतिक्षण प्रतिक्रिया करता है। किसके प्रति प्रतिक्रिया करता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो कुछ बायोलॉजिकल या जो कुछ केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, प्रतिक्षण चल रहे हैं, दिल का धड़कना, खून का बहना, प्रतिक्षण पूरा शरीर बिल्कुल स्पंदित हो रहा है, तो इसके प्रति मन प्रतिक्रिया करते रहता है। जो जो उसने गांठे बांध रखी है अभी तक की, उन अनुभवों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर कि शरीर में इस प्रकार हुआ तो मैं उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार करूँगा, यानी कि जैसा मच्छर ने काटा तो इमीडिएट हम हाथ से उसे मारते हैं, ये तो एक क्षिप्त प्रतिक्रिया हो गई जो हमें दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर 24 घंटे अंतर्मन पूरी तरह जागरूक है और वह पूरी तरह जो भी शरीर में हो रहा है उसके प्रति एक तो राग की या द्वेष की प्रतिक्रिया करते रहता है। जो जो उसे डकार आई, अप्रिय लगी, उसके राग द्वेष की प्रतिक्रिया, या और कुछ हुआ शरीर में, कहीं जलन हुई, उसकी द्वेष की प्रतिक्रिया। इसके प्रति हमारा जागरूक मन तो बिल्कुल जागरूक नहीं है, पर ये निद्रिस्त मन अंतर मन उसके प्रति भयानक जागरूक है, और जागरूक मन से भी वह ओवर पावर कर जाता है, और जो जो कुछ हो रहा है शरीर में, कहीं खाज आ गई, कहीं खुजली हो गई तो वह उसके प्रति द्वेष का भाव जगाएगा, या पेट में कहीं दर्द हुआ उसके प्रति द्वेष जगाएगा। जब जब हम साधना में बैठते हैं तब हम प्रज्ञावान बनकर बैठते हैं और हमारे जो कुछ हो रहा है शरीर पर, जो भी संवेदना हो रहे उसके प्रति हम क्या करते हैं? समता रखने की कोशिश करते हैं, उसके प्रति न राग है न द्वेष है। क्यों? कि वेदना एक वेदना है, उसे हमने संस्कारों से या तो द्वेषमूलक या पीड़ादायक बना दिया है, या उसे हमने नामकरण कर दिया है कि प्रीतिकर है, यह प्रिय है, यह अच्छी है, यह बुरी है, यह हमने नामकरण किया। वेदना अपने आप में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, गुरुदेव बार बार कहते हैं, पर हमारी समझ में नहीं आता। अब मेरे को यह पढ़ते हुए एक प्रश्न के उत्तर में यह समझ में आया कि यह अवचेतन मन 24 घंटे प्रतिक्रिया करते रहता है अंदर से, जो कि हमें कुछ भी पता नहीं लगती, और वह क्या प्रतिक्रिया करता है?
उसको जो जो अंतर प्रवाह है, अंतर ग्रंथियों का प्रवाह है, इनर जो ग्लैंड्स बोलते हैं ना, उनके जो प्रवाह है उसमें कहीं रुकावट आई, उसमें कुछ और बाधा आई, या उसे जो अप्रिय लगा आज तक के जो उसने संस्कार अपने मन में एकत्र संग्रहित करके रखे हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार, उसके आधार पर उस पर्टिकुलर अंदर की जो ऊपर के मन को मालूम नहीं, हमारे शरीर को भी मालूम नहीं, उसके प्रति वह द्वेष राग बनाते रहता है। तो पहली बार हम जब साधना में बैठते हैं तब हमें पता हम उसको ब्रेक लगाते हैं और अंतर मन और बाह्य मन को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक हम ऊपर की संवेदनाएं जानते हैं ना, तब तक हम ठीक है, वह भी बात बहुत बड़ी है, उसके द्वारा ही हम अंतर संवेदनाओं तक पहुंचेंगे ना, उतनी ही गहराइयों में हम अंतर मन तक पहुंचेंगे। जितनी जितनी गहराइयों तक हम शरीर को बींधने लगेंगे, शरीर को शरीर में हम पेनिट्रेटिंग पियर्सिंग अंदर जाएंगे, उतनी उतनी गहराइयों में हम मन का भी पेनिट्रेटिंग पियर्सिंग अंदर जाएंगे, उसे भी बींधने लगेंगे, उसे भी हम चीरने लगेंगे और अंदर तक उसका विश्लेषण विघटन कर सकेंगे। तो मन और शरीर ये एक ही है, सब एक ही कैसा है कि जितना जितना हम शरीर के प्रति, शरीर के ऊपर की संवेदनाएं हैं, फिर अंदर 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 की संवेदनाएं और भी भीतर और गहराई बहुत गहराई है। आपको लगता है शरीर ऐसा है, ठोस है या जो भी है, इसमें क्या गहराई, लेकिन इसमें भी बहुत गहराई, जितनी गहराई मन में है उसी प्रकार की गहराई आपको इस छोटे से शरीर में, यानी कि 3.5 हाथ की और उसमें क्या 6 इंच 8 इंच चौड़ाई वाले शरीर में होगी ऐसा लगेगा, लेकिन इसमें भी वैसी ही गहराई है। वैसे वैसे ही आप जब भीतर की संवेदनाएं महसूस करने लग जाते हो तो आप भीतर मन की भी अंतर मन की भी उसके साथ जुड़ने लग जाते हो। इसलिए हमको करना क्या है, बाहर भीतर एक, गुरुदेव कहते हैं वो जो मोटी दीवार है बीच में की अंतर मन की और जागरूक मन की या प्रज्ञा और संज्ञा में की, तो हमें प्रज्ञा का क्षेत्र बढ़ाना है। प्रज्ञा के क्षेत्र को जितना हम बढ़ाएंगे, वर्तमान में जितना हम रहेंगे, संवेदनाओं के प्रति जितना जागरूक रहेंगे, छोटी सी छोटी यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति, भीतर से अंदर जितनी भीतर तक जाकर संवेदनाओं को हम उस महसूस कर सकेंगे और उस वक्त समता में रहेंगे, उस वक्त उदय व्यय का बोध रखेंगे। जो जो निर्माण हो रहा है इस संसार में, भगवान बुद्ध ने कहा जो जो निर्माण हो रहा है उसका ह्रास हो रहा है, वह क्षय प्राप्त हो रहा है, जो जो बनता है वह बिगड़ता है, जो जो भी उत्पन्न होता है उसका विनाश भी होता है, नाश भी होता है। तो यह बात जब हम गहराई से अनुभूतियों के स्तर पर, वेदनाओं के स्तर पर जानने लगेंगे, वैसा वैसा हम बाह्य मन और अंतर मन दोनों का जो बीच में एक रुकावट है, दीवार है, वह पूरी तरह से गिरा देंगे। तो अंतर और बाह्य मन अगर एक हो गया तो पूरी तरह से हम संवेदनाओं से और मन से पूरी तरह हम जुड़े हुए रहेंगे, तो हम विकार नहीं बनाएंगे, हम राग और द्वेष के जो गुणान्वितम जो बोलते हैं ना गुरुदेव, जिससे भाव संसरण चलता है आगे, वह उसको हम रोक पाएंगे। जो आज पहले के जो विकार संग्रहित थे वे तो धीरे धीरे उठकर ऊपर आएंगे, शरीर के ऊपर ऊपर के स्तर पर आएंगे और हम समता में रहकर उसे देखते देखते उनकी निर्जरा करेंगे, निस्सरण पहान करेंगे, सिर्फ तदंग पहान नहीं, तदंग पहान यानी कि ऊपर ऊपर देख लिए, अभी हम समता में है तो वह नहीं, तदंग पहान के बाद निखम्ब पहान यानी कि हिला दिया है नीचे से हमने उसे जड़ों से, और फिर समुच्छेद पहान और फिर निस्सरण पहान, निस्सरण पहान यानी कि पूरी तरह से हम विकार मुक्त कर दे रहे हैं, उस विकार का वापस वहाँ पर जन्म होने ही वाला नहीं है, उस प्रकार की कितनी ही घटनाएँ घटे हम प्रतिक्रिया बिल्कुल ही नहीं करेंगे और उसमें पूरी तरह समता में या फिर अपने आनंद में ही स्थित रहेंगे या अपने जो निजी स्वभाव है उसमें ही स्थिर रहेंगे। इस प्रकार यानी कि मैंने आपको बताने की कोशिश की, अंतर मन बुद्धि और अंतर मन प्रज्ञा, या अंतर मन और जो ये संज्ञा और प्रज्ञा, इसमें क्या भेद है और हम किस प्रकार गुणान्वित कर रहे हैं, हमारा भाव संसरण किस प्रकार चला रहे हैं, क्योंकि अंदर की जो समय जो प्रतिक्रियाएं चल रही है अंतर मन की, जो उस शरीर में घट रहे अणु परमाणु के हलन चलन के प्रति या जो भी शरीर में घट रहा है उसके प्रति अंतर मन प्रतिक्षण
प्रतिक्षण प्रतिक्रिया करता है, तो उसको ब्रेक लगता है जब हम साधना करने लगते हैं, जब विपश्यना से हमारी पूरी तरह गुरुदेव के प्रवचनों से और साधना से 10 दिन के हम उसे ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वह भी फिर हम जब जब रोज़ की हमारी साधना करते हैं, सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और बीच में जब भी समय मिले सांस देख रहे हैं, संवेदनाएं देख रहे हैं, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उस श्रृंखला को बार बार खंडित करते हैं, उसको ब्रेक लगाते हैं, उसके वेग को हम थोड़ा सा स्लो करते हैं या पूरी तरह से कभी कभी रोक भी देते हैं। इस प्रकार हमें प्रयत्नरत अखंड रहना ही पड़ेगा, तो ही हम इन जो अंधी प्रतिक्रिया है, जो अंध प्रतिक्रिया है, उससे हम बाहर आ सकेंगे, क्योंकि ये हमारा जन्म